नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आज नर्मदा घाटी के किसान मजदूर मछुआरे सभी के साथ 1 फरवरी 2024 के रोज बड़वानी से ट्रैक्टर रैली का काफिला बड़वानी से अंजड़ दवाना ठिकरी के लिए रवाना हुआ। इस रैली में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर के मार्गदर्शन में इस रैली में साथ चल रहे रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल, सेंचुरी मिल से मनीषा पाटिल, सादिक चंदेरी, समाजसेवी चंचला सुनेर, कैलाश यादव, वाहिद मंसूरी, हाजी इनायतुल्ला तिगोले ने अंजड़ागमन पर पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया और मछुआरे किसान नर्मदा डूबे प्रभावित सभी इस रैली में शामिल होकर साथ चले। इस ट्रैक्टर रैली के आगे जाने की जानकारी इस प्रकार मेघा दीदी के द्वारा दी गई, जो इस प्रकार है। ग्राम सतराटी में सभी साथ ही मुकाम करेंगे। 2 फरवरी को ट्रैक्टर रैली सुबह जल्दी निकलकर खलघाट, निमोला, धर्मपुरी, गणपुर होते हुए निसरपुर कुक्षी शाम 7 बजे समाप्त होगी। ट्रैक्टर रैली नर्मदा बचाओ आंदोलन के तथा संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले निकाली जा रही है, जिसमें किसान मजदूर अपनी समस्या, नर्मदा घाटी की डूब से हुई बर्बादी संबंधी मांगे प्रशासन के सामने रखेंगे एवं सरकार से उचित मुआवजे की मांग भी रखी जाएगी। इस अवसर पर राहुल यादव, भगवान सेपटा, मुकेश भगोरिया, मेधा पाटकर, समाज सेवी रिटायर्ड CHO डॉक्टर रशीद पटेल, सादिक चंदेरी, वारिश पठान, ब्राह्मण गांव एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला ब्यूरो चीफ रघुनाथ सेन की रिपोर्ट। हम बात करते हैं मेघा दीदी से। दीदी, आज ये यात्रा किस संदर्भ में निकाली जा रही है? नर्मदा बचाओ आंदोलन और संयुक्त किसान मोर्चा के तहत आज की जो ट्रैक्टर रैली बड़वानी के जिले से निकल रही है, कल शाम तक वो धार जिले में 2 फरवरी के रोज निसरपुर तक पहुँचेगी। आज हमारे मुद्दे किसान मजदूरों के हैं, कुमार, पशुपालक, मछुआरों के लिए, क्योंकि हम किसान में सभी प्रकृति निर्भर समुदायों को शामिल करते हैं। तो आज हम लोग हर उपज का सही दाम की बात कर रहे हैं, जो मोदी जी ने 13 महीने के किसान आंदोलन के तहत लिखित आश्वासन दिया था लेकिन धोखाधड़ी की है। तो उसी प्रकार से फसल बीमा में 5 साल में 45,000 करोड़ रुपया कमाने वाले कंपनियों की जागीर नहीं है ये देश, किसानों का हकदार है। और इसीलिए मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है, आदिवासी किसान पलायन कर रहे हैं। हमारे जैसे बड़वानी जैसे जिले से जो बसें भर भर के गुजरात और महाराष्ट्र में जाते हैं, उनको होली के समय हमको छुड़वाने में इतना दर्द होता है कि बच्चों को दवा नहीं देते, उनको खाना नहीं खिलाते, उनके खुले में बबूल के पेड़ के नीचे रहने के लिए छोड़ देते हैं। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि हर उपज का सही दाम नहीं मिला है। अगर सही दाम स्वामीनाथन आयोग के आधार पर जो मोदी जी ने 2014 में चुनाव के समय घोषित किया था वो देना है, तो हर कपास सोयाबीन का 10,000 रुपये से अधिक दाम मिलना चाहिए प्रति क्विंटल का, सब्जी का 3,000 तक और गन्ने का 500 रुपये क्विंटल से कम नहीं, लेकिन ये सब नहीं मिल रहा है। तो आज हम लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर चलते हुए नर्मदा घाटी में जो ध्वस्त किए गए हजारों मकान, हजारों एकड़ खेत, उसकी भी पोल खोल कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने डूब के बाहर किए वो एक बड़ी साजिश थी। पुनर्वास पूरा हुआ है ये बताकर बांध आगे बढ़ाने की साजिश, लेकिन इस बार जब पानी आया तब ये साबित हुआ कि वो सब मकान और वो परिवार डूबग्रस्त हुए। इसमें एक कारण विशेष और भी हुआ कि सरदार सरोवर के गेट्स प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर खोले नहीं गए और इसीलिए नर्मदा घाटी का मरण दिन साबित हुआ। हमारी मांग है, हर किसी को पंचनामा हुआ है तो उसके आधार पर पूरी भरपाई चाहिए, केवल राहत मिली है, भरपाई नहीं मिली है। हमारी मांग है कि जब तक संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है तब तक सरदार सरोवर का जलस्तर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार और कानून के आधार पर 122 मीटर पर रोकना होगा। अगर आज हम लोग ऐलान कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, पर अगर नहीं होगा तो हम उग्र संघर्ष तेज करने बिना नहीं रहेंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।